अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ जायके घर घर के। आज हम आपको कराची में जमजमा पे लेके आए हैं खतीजा रजा के घर पे। ये मेरी बहुत ही प्यारी सी दोस्त कह लें, बचपन से हमारा साथ है, कज़न सिस्टर कह लें तो। और मुझे आप लोगों को यहाँ लाने का मकसद ये था कि शी इज़ एक्सीलेंट कुक एंड आई वॉन्ट टू आस्क हर टिप हाउ शी मैनेजेस हर वर्क। उनका अपना बिजनेस है, बिजनेस इतने मज़े का जिसमें मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, ज्वेलरी एंड अमेजिंग इंडियन क्लोथ्स एंड साड़ीज। तो हम आपसे उनसे पूछ के आपको बताएंगे कि ये अपने घर को किस तरह संभालती हैं, अपनी किचन को किस तरह संभालती हैं और अपने काम को किस तरह संभालती हैं। ठीक है, चले रिया, मिलते हैं खतीजा से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? How are you, sister? How are you? I'm good. After very good. So nice to see you. Assalamualaikum, sweetheart. How are you? Allah ka shukar. ये मेरी बहुत ही पुरानी कजन बोले, कजन बोले, दोस्त हद से ज्यादा और भाई, और ये मेरे भाई, बहुत ही प्यारा भाई जिसके घर में हर बुध को आती हूँ उनके घर खाना खाने और मजे मजे की बातें करने। तो आज मैंने बताया आपका ज्वेलरी का काम जी है, जी जी साड़ी का काम है, इंडिया से आप कैसा मंगा रहे हो अभी बताती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आपकी बेटी आई है, आइए अम्मा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? मिलो अम्मा, प्रणाम करो। अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। हाउ आर यू? हाउ आर यू? आई एम गुड। आप कैसे? या आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। या आई नो, बैठिए बैठिए मम्मी। आपका शगुफ्ता इकरा आइए, देखिए देखिए कौन कौन लोग आपके वेलकम में हैं। आइए आइए लोग। क्या हाल? ठीक ठाक। इकरा, द ब्यूटीफुल शी इज लुकिंग, बहुत अच्छा बात है, लुक सो लवली। इनके घर में प्रोग्राम करना है। शी इज अ एक्सीलेंट कुक। हम आपके घर आ रहे हैं, आप काम भी करती हो, बस सही है। पक्का अभी लिखवा दो मेरे डायरेक्टर को, ठीक है? आपको मैं ज्वेलरी और कपड़े दिखाऊं? साड़ीज पे आई, आओ इकरा। है यू माय ब्रांड एंबेसडर, सारी इनकी ज्वेलरी मेरी तरफ से है, सिलवा के दिया है। बिल्कुल बिल्कुल शगुफ्ता, आप साड़ीज करें, आप देख रहे हैं मेरे हाथ में हर जगह है ज्वेलरी, लवली सम मोर साड़ीज। यस, न्यू कलेक्शन। वाओ, अच्छा खतीजा तुम इंडिया से, तुम दुबई मंगवाती हो? दुबई, वाया दुबई आता है, बिल्कुल अनयूजुअल कलेक्शन होती है और होलसेल रेट्स में ऐसे अनबीटेबल प्राइसेस हैं कि आप खुद सुन के हैरान हो जाएंगे। 500, 800, 1000, 1200, बहुत अफोर्डेबल ज्वेलरी रखती हूँ। तो रोज आपको तो पता है, रोज टेबल पे लग जाता है और क्लाइंट्स आते रहते हैं। She works from home, और ये तो कुछ भी नहीं है, maybe this is quarter. हाँ, और वेरी वेरी लिटिल। बहुत जबरदस्त ज्वेलरी, बहुत जबरदस्त। इकरा आप आके कुछ ट्राई करो बेटा, शगुफ्ता साड़ीज भी खोलो ना। लवली, वेरी प्रिटी। मैंने कहा ये सब नई नई थोड़ी चीजें भी दिखाऊं ना, खोल के दिखाऊं? यस, सो प्रिटी। इन लवली मस्मायू का ना पूरा खोल दो ना, खोल दो खोल दो। हाँ, कौन से इयररिंग पहनोगे इकरा? हाँ पहन के दिखाइए इनको, आप बताइए पहन के इनको, ऐसे यूं ही रख के ना। अच्छा खतीजा, अब बताइए मेरे लिए क्या है? हर चीज, हर चीज जो आपकी है हम दोनों के पास वही होती है। और यही, और याद ही हम उन्होंने पर्स में लगाया था, तो ये भी इसमें भी आ गया है। और जो ये मैंने जैसे पहना है, मैंने एक और दिखाया, हमारी हर चीज बहनों की एक साथ, हम तीनों इकट्ठे ही लेते हैं चीजें, हर चीज तीन आती है। लेकिन ये है कि वो बहरिया में रहती है तो फिर इतना मिलना नहीं होता, हाथ जोड़ जोड़ के बुलाना पड़ता है, आ जाओ भाई आ जाओ। अच्छा
And how much do you sell this for? ये 3,500 की wholesale rate है, बाजार में कहीं नहीं मिलेगी। अब बताइए आप। कहीं भी नहीं मिलेगी। ये देखें, ये अजमेर की चुंदरी है। ऐसी चीजें काम आती हैं, इतनी आजकल बच्चियां लेती हैं 15-15 lakh के ब्राइडल जोड़े और दूसरे जोड़े, वेस्ट ऑफ मनी। बिल्कुल, बहुत बहुत फैशन में। ये भी एक रॉ सिल्क की साड़ी थी, ग्रे, और ये इसका पल्लो था टर्कोइज। तो इन्होंने पल्लो का स्कार्फ करके और पूरा सूट साड़ी से किया। हम दोनों बहनों ने शर्ट दुपट्टे की और पैंट्स अलग की, और ये बच्ची का तो अलग है, तो इनका अलग है जरा। तो ये कि साड़ीज काट के हम लोग बनाते हैं। भूख लग रही है, खाना पकाओ। मैं पहले वेलकम ड्रिंक तो लाऊं आप लोग के लिए। ठीक है, मैं अभी हाजिर होती हूँ वेलकम ड्रिंक लेके। जी, ये वेलकम ड्रिंक आप लोग को पिलाती हूँ, इसमें यही रुक जाओ। थैंक यू, वेलकम। खतीजा, ये क्या है? It's so yum. It's a pineapple, basil and chia seed का। Basil and chia seed? ताज़े तुलसी के पत्तों को पीस के pineapple जूस में और चीनी के शीरे के साथ बनाते हैं। Very nice, very different. और ज़रा healthy drink है ना? Chia seeds हैं, basil है, तो refreshing है, खासकर इस गर्मी के लिए। Very nice. कैसा लगा ड्रिंक आपको? Excellent. Thank you. Actually, it's something so different and new. जी जी, तो आप जब हमें हमारे शो पे इसकी रेसिपी भी बता दीजिएगा। बिल्कुल, मैंने टाइप करके रख दी है। हाँ, आप बता दीजिएगा ताकि एक नई चीज लोगों को सीखने। और तुलसी का पत्ता तो इतना हर जगह आम मिलता है, और नींबू तो इसमें कोई ऐसी कोई महंगी चीज भी नहीं है। एंड वेरी रिफ्रेशिंग इस गर्मी के लिए। अब शायद आप बना क्या रहे हो? आज मैंने पूरा थाई मेन्यू बनाया है। ओह, मैंने कहा जरा कोई अलग, देसी खाने तो होते रहते हैं, तो मैंने कहा चलो दैट आई, हमारे यहाँ बनता भी बहुत है घर में थाई, तो मैंने दो एपेटाइजर्स आपको बताने और फिर आप लंच पे देखिएगा चीज़ें। तो एपेटाइजर में आप क्या बना? मैंने थाई साथे बना रही हूँ चिकन की, और थाई लेटिस रैप। ये बहुत मशहूर अमेरिका में, हर चाइनीज में ये लेटिस के रैप्स आते हैं ताज़े फ्रेश, उसमें आप चिकन के कीमे को रैप करके उसकी सॉसेस के साथ खाते हैं। तो चले हम किचन में। चल, मैं दो चीजें सिखा रही हूँ, एक थाई चिकन साथे है और एक थाई चिकन लेटिस रैप्स है। तो चूंकि इसमें थोड़ी सी मैरिनेशन की जरूरत होती है, अब टाइम नहीं है, मैं थोड़ा सा मैरिनेट कर लेती हूँ, फिर जब तक लेटिस रैप्स बनेंगे फिर इसको स्क्यूअर्स में डाल दूंगी। Any good brand of curry powder? जी, कितनी देर मैरिनेट? मैंने तो ओवरनाइट किया है लंच के लिए, ये अभी आप लोग के सामने कर रही हूँ, कम से कम आधा घंटा तो इसमें मसाला जरा इन्फ्यूज होना, अदरवाइज इट्स नॉट द सेम। और हम लोग आ जाते हैं लेटिस रैप्स पे। ठीक है, बस ये थोड़ी सी प्याज कच्ची पक्की करके, फिर मैं इसमें चॉप अदरक और चॉप लहसुन डालूंगी। 1 टेबलस्पून। जी जी, मैं अभी इसी में डाल दूं। मैंने अदरक। अच्छा, ये जरा इसकी खुशबू जरा इन्फ्यूज हो, इसके सब सारे जूसेस इन्फ्यूज हो जाएंगे, तो फिर मैं इसमें चिकन का कीमा डाल दूंगी।
कितना फ्रेश है लेटस, वाओ। हाँ, ये इसमें जो, और ये ठंडे के साथ जब भी गरम कीमा सर्व होता है ना, और इसकी स्वीट एंड सा सॉस, इट इज वेरी नाइस। इसकी साथ ही सॉस भी बनेगी अभी, ओके वो भी बना दूंगी। हाफ के जी चिकन मिन्स जी, कभी मेहमान आ रहे हो अचानक तो ये फौरन फौरन आपकी रेसिपी बन जाती है। जब तक मैं ये भून रही हूँ, याकत आके चिकन के साथ एक स्क्यूअर्स में लगा देंगे, ताकि फिर वो भी साथ साथ मैं ग्रिल कर दूंगी। याकत आप आइए, ये साथ ही इसमें स्क्यूअर्स में लगा के मुझे यहाँ दीजिए। सोया सॉस है, स्वीट चाइनीज सॉस है जी, एंड ब्लैक पेपर, चिली फ्लेक्स एंड चॉप्ड हैलापेनोस। दैट्स राइट, सो सिंपल, वेरी इजी। और इसमें जब ये निकालने के पहले आप गाजर डालें, हरी प्याज डालें, मशरूम डालें, इस ऑप्शनल। मैंने मशरूम्स और गाजर रखे, आप वाटर चेस्टनट्स डालें, इट्स अप टू यू। जो आपके घर में पसंद किया जाता है आप वो फ्लेवर इंफ्यूज करें। अगर हैलापेनोज नहीं, आप हरी मिर्चें काट के डालें, अगर आपको ज़्यादा तेज चाहिए तो आप लाल कूटी भी मिर्च ज़्यादा डालें, अप टू यू। वेरी हेल्दी डिशेज हैं ये, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और इसको आप एज अ स्टार्टर सर्व करेंगे। जी, दीज आर बोथ एपेटाइजर्स, यस। आपके सॉसेज इतनी कि मैं नमक कम ही दे रही हूँ, ठीक है। सोया सॉस भी नमकीन हो चुका है। हैलापेनोस 1 teaspoon डाल दो जी, डाल दीजिए, लिखा भी 1 है ना? लेटिस रैप्स का कीमा चिकन का बिल्कुल रेडी हो गया, पानी ड्राई हो गया है। अब इसमें लास्ट मुझे थोड़े से कैरेट्स डालने हैं, जस्ट टू गिव अ बिट ऑफ कलर एंड अ लिटिल बिट ऑफ टेस्ट, और थोड़ी सी कटी हुई हरी प्याज। Smells really good. Thank you. I hope बस पसंद आ जाए। Roasted peanuts, थोड़े से तेल के दाने, इसको रैप करके आप इसको इसकी सॉस के साथ जबरदस्त। अब ये मैंने 2 बना लिए, बाकी फिर और बना देती हूँ। याकत अब आकर इस पे चिकन साथे ग्रिल कर देंगे, मैं और शिरीन अब टेबल पे चलते हैं, फिर हम लोग वहाँ बैठ के जब लंच करेंगे तो आपको पूरा इसका फाइनल रिजल्ट नज़र आ जाएगा। आइए शीन। अच्छा खतीजा, जब आप फारिग हो जाएंगे जी, जब हम लंच की टेबल पे होंगे तो आप सिर्फ साथ ही सॉस का लिखा हुआ तो सब डिटेल जी, है, जी, जी। लेकिन आपने जिस तरह उसको सारी चीजों को डाल के ब्लेंड कर जी, अभी कर दूं कहें तो नहीं, आप बता दें, लियाकत कर देगा वो तो रेडी है मेरे पास। अच्छा ठीक है, तो आपने एक प्याज लेनी है चॉप जी, अदरक लहसुन 1 teaspoon, चिली फ्लेक्स कुटी हुई लाल मिर्चें 1 teaspoon, हल्दी 1/2 teaspoon, ऑयल 1 tablespoon, 5 red curry paste 1 tablespoon, ये सब डालें थोड़े से पानी के साथ और ब्लेंड कर दें बस। और ऊपर मैंने फिर ये इसमें लास्ट ऐड करना है पीनट बटर चंकी वाला। अच्छा, तब तो उसका वो कोकोनट का लास्ट में 1/2 cup पीनट बटर डाल दीजिएगा चंकी वाला, ठीक है, मिक्स कर दीजिएगा तो वो रेडी हो जाएगी आपकी पीनट सॉस टू सर्व विद साथे। विद साथ, इसकी मैंडेटरी है ना, साथे के साथ पीनट सॉस साथ सर्व होती है। आइए ताकत, आप खाना लगाइए। आए शलू, खाना खाते अल्लाह करे आपको सब चीज पसंद आ जाए। कब आएगा, क्यों नहीं आएगा, आप थाई खाना तो शौक से खाते हो ना। आई लव एवरीथिंग,
आई बैठी। आप लोग आ जाए आ जाए आ जाए, हम इंतजार में है ना। आई 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 तो हम खाएंगे। थैंक यू, वी आर वेटिंग फॉर यू। जी जी, लुक्स सो यमी, सो नाइस टू हैव यू ऑन दिस टेबल। बिल्कुल बिल्कुल, आ जाओ फिर। जी मैं आप लोग को मेन्यू बता देती हूँ। आइए इकरा, आप भी आ जाइए बेटा। ओह यम, बस अल्लाह करे सब पसंद आ जाए सबको। आ जाओ बेटा, कम बेटा इकरा। टोम यम सूप आप मुमताज़ आपा को दें, मैं शीरीन को दूँ। शगुफ्ता वो टोम यम की ये भी है, ये भी है। जी आप भी दे। बहुत स्पाइसी तो नहीं है ना। थैंक यू। Where did you get the coffee leaves from? From the French biscuit and French bakery. Fresh milk है? चिकन साथे विद द साथे सॉस, दैट्स ग्रीन करी चिकन एंड दिस इज रेड करी प्रॉन। अब आप क्या लेंगी? पहले आपको मैं लेटेस्ट रैप सूप इज टू रियली, पता है इसमें कंडेंस दूध हो जाता है। लेटेस्ट में आपको ये चिकन मिंस इसके चम्मच लेंगे, इसमें डालने हैं चिकन डाल के और इसकी ये स्वीट चिली सॉस डाल के आप ये रैप खाइए। चिकन उसका चम्मच है ना शागी, ये चारों डाल दो ना। Put it in your wrap and then you have it with the sweet chili dip, the Thai sweet chili sauce. I'm up to banana. Mmm, very nice. जब बाहर जाओ बच्चों के साथ ना इन अमेरिका, तो वहाँ बड़ी बड़ी जो थाई रेस्टोरेंट्स है, फ्यूजन फूड है, तो नताशा एंड नाजिया दे टेक मी टू ऑल दी एंड रेहान इज अ डेवलप द टेस्ट। हां मारिया, रेहान, नताशा, नाजिया, दे लव ऑल गोइंग आउट एंड ईटिंग एंड राहिल तो लव्स थाई फूड। जब वो घर में दावत करता है तो कहता है दोस्तों के लिए। मारिया इज वंडरफुल कुकिंग, मारिया इज अ वंडरफुल कुक, अना मैस पिक्ड अप सो वेल। आपका फेवरेट फूड कौन सा है इनके हाथ का? बेगम के हाथ का तो सब खाना अच्छा होता है भाई, आपसे सीखी है ना। शौक होता है खाने का और फिर इतनी सही तरीके से तारीफ करने का दिल नहीं चाहेगा इस तरह। बिल्कुल बिल्कुल, खूब सीखो और खूब बनाओ। एक्सेलेंट, बहुत अच्छा लगा आपको के घर। थैंक यू, जज़ाकअल्लाह कि आपने हमें दावत दी आने की। हाँ, और मेरे बच्चे और मेरी बहन मेरे साथ है, इससे बड़ी
Ikra bhi aa gayi, Mumtaz aap aa gayi. Thank you, my darling. Really, everything is so good. Thank you. Aur amma saath hai na. Bahut acha laga, Afroza appa. Thank you so much. Bahut acha laga. Aur inshallah phir बिल्कुल कोई मौका आएगा तो आपके घर आके फिर कोरियन खाना कोरियन बनाऊंगी जरूर इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच नाजीन, आप लोगों का भी बहुत आप लोग का आने का शुक्रिया. मन्नी आपा आपका अम्मा थैंक यू फॉर अटेंडिंग. ट्राई दिस नोटिस एपिसोड में जायके घर घर की मुलाकात करेंगे. मुझे दीजिए तब तक के लिए मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाजत. एंजॉय द शो एंड गिव अस द फीडबैक. अल्लाह हाफिज़.